एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 2023 जीतने की प्रबल दावेदार टीम माना जा रहा था, लेकिन एशिया कप खत्म होते होते और वर्ल्ड कप के आगाज से ठीक पहले उनके प्रदर्शन को देखकर कोई भी उनको सेमीफाइनल में भी पहुंचने का अनुमान नहीं लगा रहा। एशिया कप में पाकिस्तान टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई, वहां उन्हें श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के हाथों भी हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान टीम का हार का सिलसिला वहीं नहीं रुका और वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेले गए अभ्यास मैच में उन्हें कीवी टीम के हाथों भी मुंह की खानी पड़ी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान टीम की लगातार हार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा भड़क उठे और उन्होंने पाकिस्तान टीम के नियत पर भी सवालिए निशान खड़े किए। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि रमीज राजा ने पाकिस्तान टीम को लेकर क्या कुछ कहा। वर्ल्ड कप 2023 के खेले गए एक वार्मअप मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को मिली इस हार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा भड़क उठे हैं। उन्होंने बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर आलोचना की। दरअसल हैदराबाद में खेले गए पहले वार्मअप मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के शतक और बाबर आजम के 80 रनों के बदौलत उसने 345 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, परंतु पाकिस्तान की खराब गेंदबाजी के चलते यह स्कोर पर्याप्त साबित नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने 6.2 ओवर शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली इस हार से रमीज राजा बुरी तरीके से भड़क उठे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को हारने की आदत होती जा रही है। अगर पाकिस्तान के गेंदबाज इतने बड़े स्कोर पर प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं तो पाकिस्तान टीम को 400 रन से अधिक रन बनाने होंगे। मीडिया से बातचीत में रमीज राजा ने कहा, मुझे पता है कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच था, लेकिन हार तो हार होती है और हारना एक आदत बन जाती। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब हारने की आदत हो गई है। पहले वह एशिया कप में हार गए और अब यहाँ भी हार गए। पाकिस्तान ने 345 रन बनाए और यह एक बेहतरीन रनचेज था। रमीज राजा ने आगे कहा, अगर ये पिच है और आपको भारत में ऐसी ही पिचें मिलती हैं तो आपको 400 रन बनाने होंगे। अगर आपकी गेंदबाजी इसी तरह खराब होती रही तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी, जोखिम लेना होगा। हम पहले 10-15 ओवर तक रक्षात्मक रवैया अपनाते हैं, फिर गियर बदलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के मुकाबलों में हमें अपने स्ट्रेटजी को फिर से देखना चाहिए और उसमें सुधार करने की जरूरत। बताते चले कि वार्म अप मुकाबले में 346 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन और डेरी मिशेल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड टीम ने इस लक्ष्य को 43.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। फिलहाल पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में आगामी 6 अक्टूबर से नीदरलैंड के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत करेगा, जहां उसकी नजरें मजबूत वापसी करने पर होंगी। लेकिन एशिया कप से चल रहे लगातार खराब फॉर्म के कारण पाकिस्तान टीम की जो गेंदबाजी विभाग है उस पर सवालिए निशान खड़े हो रहे हैं। खासकर उसका स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त उनके टीम मैनेजमेंट के लिए और उनके कप्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।